तीथ कहा जाता है ना। नेक्स्ट नंबर, देयर नंबर इज, इनकी जो संख्या होती है देयर नंबर इज 20, 20 होते हैं ये, 10 आर इन अपर जॉ एंड 10 आर इन लोअर जॉ, ऊपर के जॉ में 10 और नीचे के जॉ में 10 होते हैं, ठीक है। उसके बाद कब होते ये, दीज टीथ आर जनरली अपीयर्ड एट द एज ऑफ 6 ईयर, जब बेबी 6 साल का हो जाता तो 6 साल के बेबी में ये टीथ की शुरुआत होती आने के लिए, है ना। इसलिए थर्ड कैरेक्टर, इट अपीयर्स एट अराउंड 6 ईयर्स ऑफ एज, 6 ईयर्स ऑफ एज, है ना, 6 साल की उम्र से ये आना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब 6 ईयर मतलब 6 साल तक, तो शुरुआत कब से हुई, 24 मंथ मतलब 2 साल का बेबी अगर हो गया तो धीरे 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 एक 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 टीथ आते रहते हैं और ये 6 साल की उम्र तक 20 नंबर उनके हो जाते हैं और 6 साल में अपने आप वो झड़ जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं और उनके जगहों पर नए टीथ आ जाते हैं, है ना। शुरुआत कहाँ से हुई, 24 मंथ के बाद, और 6 साल की उम्र तक पूरे डेवलप हो जाते, कितने रहते हैं वो 20 नंबर में होते हैं टोटल, है ना। उसके बाद आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ एज, 6 साल के बाद दे आर रिप्लेस, दे आर रिप्लेस, बाद में वो रिप्लेस हो जाते बाय परमानेंट टीथ, ठीक है। अब सवाल ये रहा कि 20 नंबर है तो कैसे है, फॉर एग्जाम्पल 20 टीथ का हमें हिसाब देना है, पहला इनसीजर्स, इनसीजर्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इनसीजर्स आर 8, ये 8 हो गए। उसके बाद दूसरा टीथ जो है कैनाइन, है ना, कैनाइन, देयर नंबर आर 4। उसके बाद तीसरा टीथ कौन सा, मोलार, क्योंकि इनमें प्री मोलार एब्सेंट होता है और मोलार का नंबर होता है 8, तो 8 और 4 12, 12 और 8 20, ये 20 टीथ हो गए हमारे मिल्क टीथ, डेसीड्यूस टीथ, ठीक है। अब ये जो डेसीड्यूस टीथ है, इनसीजर 8, कैनाइन 4, मोलार 8, तो ये टीथ को देखने के बाद हमारी डेंटालॉजिस्ट ने ये मिल्क टीथ का, चिल्ड्रेन का डेंटल फार्मूला बना लिया और वो डेंटल फार्मूला हम ऐसा शो करेंगे। इसलिए नेक्स्ट नंबर, द डेंटल फार्मूला ऑफ, द डेंटल फार्मूला ऑफ चिल्ड्रेन, छोटे बच्चों का डेंटल फार्मूला कैसा होता इज, देखो छोटे बच्चों का डेंटल फार्मूला कैसा होता, 2 1 2 अपॉन 2 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 20, ऐसा डेंटल फार्मूला है। आपको लग रहा होगा कि सर ने क्या लिख दिया, ये 2 क्या है, ये देखो ये इनसीजर है ना, ऊपर के जॉ में 2, नीचे के जॉ में 2, 2 और 2 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, बाद में ऊपर 1 नीचे 1 2, 2 इंटू 2 4, बाद में अगेन 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, मतलब ये 2 पहला वाला क्या है, इनसीजर,
ये वन क्या है? कैनाइन। ये टू क्या है? मोलार। मतलब ऊपर के जॉ में 2 + 1 = 3 + 2 = 5, 5 × 2 = 10। ऊपर के जॉ में 10 और नीचे के जॉ में 10। इसलिए सिंपली द डेंटल फार्मूला फॉर चिल्ड्रेन इज 212 / 212 × 2 = 20, है ना। इसको कहते हैं मिल्क टीथ। अब कौन सा टीथ पढ़ना है हमें? परमानेंट टीथ पढ़ना है। डेंटल फार्मूला याद है? बहुत बार कंफ्यूज होते बच्चे लोग, और यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा है वो नीट वाला, व्हाट इज द डेंटल फार्मूला ऑफ चिल्ड्रेन, 212 / 212 × 2 = 20, है ना। हाउ मेनी नंबर ऑफ मिल्क टीथ आर देयर? 20। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ मिल्क टीथ? डेसिड्यूस टीथ। व्हेन द मिल्क टीथ अपीयर? दे अपीयर एट द एंड ऑफ 24 मंथ एंड कंप्लीटली फॉर्म एट अराउंड 6 ईयर्स ऑफ एज, एंड लेटर ऑन दे आर रिप्लेस बाय द परमानेंट टीथ। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा टीथ का प्रकार। मिल्क टीथ हो गया, परमानेंट टीथ। सो कैसे होते हैं परमानेंट टीथ? वी हैव टू स्टडी परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ देखो बेटा, इसको परमानेंट नाम दिया गया। क्यों दिया गया? कि एक बार अगर ये टीथ डेवलप हो गए तो लास्ट मोमेंट तक, शमशान घाट में जाने तक हमारे साथ रहते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज परमानेंट टीथ, है ना। सो व्हाट आर परमानेंट टीथ? टीथ व्हिच आर डेवलप Only once during lifetime are called as permanent teeth। ठीक है, नंबर कितना होता? तो परमानेंट टीथ का नंबर होता 32। राइट डाउन, देयर नंबर इज, देयर नंबर इज 32 होता है। फिर अब डेंटल फार्मूला कैसा? डेंटल फार्मूला ऑफ अडल्ट मैन, डेंटल फार्मूला ऑफ अडल्ट मैन इज 212 / 212 × 2 = 32। ये ऐसा डेंटल फार्मूला अडल्ट पर्सन का। टू कौन सा? इनसीजर। 2 + 2 = 4, 4 × 2 = 8। ये क्या? कैनाइन। ये क्या? प्रीमोलार। और ये क्या? मोलार, है ना। सो होता है क्या? देखो, 2 + 3 = 5, 5 + 2 = 7, 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8, 8 + 8 = 16। ये ऊपर जा, ये लोअर जा, और ये दो सेट में है। सो 2 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 2 + 5 + 3 = 8, 8 × 2 = 16। ऊपर के जॉ में 16, लोअर जॉ में 16, 16 = 32। सो दिस इज द डेंटल फार्मूला फॉर द अडल्ट पर्सन। ठीक है, अब सवाल ये उठा कि हमारा जो टूथ है वो टूथ के ऊपर एक हार्ड मटेरियल जमा हो जाता है। वो जो हार्ड मटेरियल है उसको कहते हैं इनामेल। क्या कहते हैं उसको? इनामेल। सो नेक्स्ट नंबर, टूथ हैज
हार्डेस्ट कवरिंग, टूथ हैज हार्डेस्ट कवरिंग नोन एज इनामेल, उसको क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं, है ना। और ये जो इनामेल है, नेक्स्ट नंबर, इनामेल फॉर्मिंग सेल इज नोन एज, इनामेल फॉर्म करने वाली हमारे बॉडी में सेल है, वो सेल का नाम है इज नोन एज अमाइलोब्लास्ट। ठीक है। अब ये इनामेल के पास ये हार्ड है, तो हमारे जो गम्स बने हैं, गम, वो गम बनने के लिए जो सेल काम में आती उसको कहते हैं डेंटिन। सो व्हाट आर डेंटिन? डेंटिन आर द सॉफ्ट कवरिंग ऑफ द इनामेल। नेक्स्ट नंबर, डेंटिन्स आर सॉफ्ट कवरिंग ऑफ इनामेल, है ना। अब ये जो डेंटिन फॉर्म करने वाले सेल होते हैं, वो सेल को क्या कहते हैं? सो ओडोंटोब्लास्ट, ODONTO, ओडोंटोब्लास्ट इज डेंटिन फॉर्मिंग सेल, इसको डेंटिन फॉर्मिंग सेल कहते हैं हम। ये हो गया टीथ, है ना। देखो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम कितनी कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, कल से हम पढ़ रहे, तो कल से केवल इतना ही पोर्शन माउथ ही ख़त्म नहीं हुआ, माउथ का ही स्टडी चल रहा, अलाइमेंट्री कैनल का पहला पार्ट माउथ का ही अभी तक हम पढ़ाई कर रहे, माउथ में पूरे पार्ट आ जाते हैं, है ना। तो आपको मैं एक बार एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, व्हाट आर परमानेंट टीथ? द टीथ विच आर डेवलप ओनली वंस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम आर कॉल्ड एज परमानेंट टीथ। देयर नंबर इज 32 एंड द डेंटल फार्मूला फॉर द एडल्ट पर्सन कैन बी रिटन एज 2123 अपॉन 2123 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 32। The tooth has hardest covering known as enamel and the enamel forming cell is known as amyloblast. Dentins are soft covering of enamel and dentin forming cell is known as odontoblast. है ना, enamel form करने वाली को amyloblast कहा जाता और dentin form करने वाली को odontoblast नामक cell कहा जाता। So this is known as वाट? टीथ। ये हो गया हमारे बक्कल कैविटी के अंदर का टीथ, ठीक है। उसके बाद हमारी जो टंग है, तो टंग के ऊपर एक प्रकार की, टंग के नीचे माउथ के यहाँ पर एक प्रकार का रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता, उसे कहते हैं वाल्डियर्स रिंग। सो गिव हेडिंग, वाल्डियर्स रिंग। वाल्डियर्स रिंग एक डायग्राम कैसी रहती है वाल्डियर्स रिंग?
So this is the diagram showing what Waldeyer's ring. ये ऐसी Waldeyer's ring है, हमें जो tonsil नाम का problem होता है ना, यहाँ पर हमारा ये जो throat है, ये throat में infection हो जाता और infection होने के बाद में यहाँ पर सूजन आ जाती, उस समय हमें पानी पीना या food निगलना, swallowing करना बहुत difficult हो जाता है ना, तो वो समय यह हमारी जो Waldeyer नाम की रिंग है, वो रिंग को इन्फेक्शन हो जाता और हमारे टॉन्सिल नाम की जो ग्लैंड है, जो सेल है, उसको इन्फ्लामेशन आ जाता और फिर हमें दवाखाना करना पड़ता है, तो उसको कहते हैं Waldeyer's रिंग। Waldeyer नाम का वैज्ञानिक था, उसने ये पार्ट को ढूंढ के रखा, देयर फॉर दिस पार्ट इज नोन एज Waldeyer's रिंग। तो हमें चार प्रकार के टॉन्सिल होते हैं, फेरेंजियल टॉन्सिल, ये वाले, ये वाला ट्यूबल टॉन्सिल, ये वाला पैलाटाइन टॉन्सिल और ये वाला लिंगवायल टॉन्सिल। तो इसको अगर ये पैलाटाइन टॉन्सिल को हमें इन्फेक्शन हो गया तो हमारे को टॉन्सिलाइटिस नाम के डिसीज हो जाता, बहुत ज़्यादा पेन होता, उस समय हम एंटीबायोटिक नामक ड्रग लेकर इसको कम करते। अगर बार 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 Waldeyer रिंग में इन्फेक्शन हो रहा है तो उस समय डॉक्टर क्या कहता कि भाई आपकी जो टॉन्सिल नाम की जो ग्लैंड है वो बहुत नाजुक हो गई है, उसको सर्जरी करके रिमूव करना पड़ेगा, ऐसा हमें एडवाइस करता है। और जब हम टॉन्सिल को सर्जरी बनाकर निकाल देते हैं तो उसको कहते हैं टॉन्सिलोक्टॉमी। व्हाट इज टॉन्सिलोक्टॉमी? सर्जिकल रिमूवल ऑफ टॉन्सिल्स इज नोन एज टॉन्सिलोक्टॉमी। तो चार प्रकार के टॉन्सिल है, ये ऊपर वाला फेरेंजियल टॉन्सिल, ये वाले साइड में दो ट्यूबल टॉन्सिल, ये वाले जो रॉड है वो पैलाटाइन टॉन्सिल, और ये नीचे वाले जो राउंडेड बॉडी आप देख रहे हो वो है लिंगवायल टॉन्सिल। ठीक है, सो व्हाट आर टॉन्सिल? टॉन्सिल किसे कहते हैं, है ना, सही ना? तो Waldeyer रिंग क्या है? सो व्हाट इज Waldeyer रिंग? द लिम्फैटिक टिश्यू ऑफ फेरिंग्स एंड ओरल कैविटी। हमारे फेरिंग्स के अंदर के जो लिम्फैटिक टिश्यू है और ओरल कैविटी के अंदर के जो टिश्यू है, दे आर अरेंज्ड इन सर्कुलर मैनर, ऐसे सर्कुलर मैनर में वो अरेंज किए गए हैं, देन द रिंग इज नोन एज Waldeyer रिंग, है ना? व्हाट आर Waldeyer रिंग? व्हेन द लिम्फैटिक टिश्यूज एंड ओरल कैविटी टिश्यूज दे आर अरेंज्ड इन अ सर्कुलर फैशन और सर्कुलर लाइक मैनर, देन दे आर कॉल्ड एज Waldeyer's रिंग, है ना? सो Waldeyer रिंग कंसिस्टिंग ऑफ फोर टाइप ऑफ टॉन्सिल्स। चार प्रकार के टॉन्सिल यहाँ पर नजर आ रही, नंबर वन फेरेंजियल टॉन्सिल, नंबर टू ट्यूबल टॉन्सिल, नंबर थर्ड पैलांटाइन टॉन्सिल एंड नंबर फोर्थ लिंगवायल टॉन्सिल। ऐसे चार टॉन्सिल्स होते हैं इसके अंदर, और हर एक टॉन्सिल का अपना अपना खुद का गुणधर्म है। सो क्या गुणधर्म है? वी हैव टू स्टडी इट ऑन टुमारो।
चलो बेटा, कुछ डिफिकल्टी है क्या आपके लिए? जो है तो मुझे पूछना है आपको। है बेटा कुछ डिफिकल्टी? हेलो, हेलो सर, मुलाना का ही डिफिकल्टी आएगा। ओके, सब समझ में आ गया। चलो आज के लिए मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ। वो क्वेश्चन आपको लिखना है, मैं बोर्ड के ऊपर लिख के दे रहा हूँ क्वेश्चन, वो आपको सॉल्व करने हैं घर जाकर, और कल मुझे बताना है। डायग्राम हो गई आपकी? डायग्राम हो गई क्या? चलो फिर, अब मैं देखो बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए।